In hockey, you have hockey and ball. ठीक है? Goal करना है उसमें. In football, you have football. In cricket, you have. In bodybuilding, you don't have any instrument. You have to play with your own body. Your body is your instrument. Yes. Hmm. इसी को तोड़-तोड़ के आपने दिखाना है. यही ये game है. छह महीने पहले से थोड़ी डाइट करनी है, फिर चेक करनी है, फिर आखिरी महीने में, बिल्कुल आखिरी महीने में और आखिरी हफ्ते में तपस्या है. ना नमक, ना पानी, फीकी दाल, फीके चावल. इससे क्या हो गया? ये तो बीमार आदमी को देने हैं. और ये एक बॉडी बिल्डर, इसको खाने के बाद उसको परफॉर्म करना है और फिर जीतना है. इसको कहते हैं बॉडी बिल्डर. बॉडी बिल्डिंग बड़ा टफ गेम है कि लोहे के चने चबाओ और दांत भी ना टूटे. चने चूर चूर करने हैं पर दांत भी नहीं टूटना. इतना टफ है ये. इसमें मज़ा भी इतना है क्योंकि इस पर कशीदाकारी करनी है. जैसे आर्ट वर्क है ये. यू हैव टू वर्क फॉर काफ. काफ इज वीक. छः महीने, आठ महीने काफ पे लग जाएंगे. फिर आपका ट्राइसेप वीक है, वो बॉडी बिल्डर देख. बिकॉज बेयर बॉडी में आपको सब बॉडी का नंबर मिलना है. बात यह है कि आप अगर कोई पैदल आदमी गांव में 20 किलोमीटर चलता है और वो घी आधा किलो पी भी लेता है तो कभी फैट नहीं आएगा क्योंकि उसका वर्कआउट इतना है. इनका वर्कआउट ऐसे था कि इनका पूरा घी तेल निकल के जाता था यहां से. शीशा है ना ये बहुत कुछ करता है. एक्चुअली क्या है इसमें, लोग जुल्फे देखने शुरू कर देते हैं. ये शीशे वो नहीं है, ये वो नहीं है, बार्बर शॉप नहीं है. इट्स नॉट फॉर स्टाइल, इट्स फॉर बॉडी. ये आपको मोटिवेट तब करता है जब इसमें देख देख के आप फिर करते हो, फिर करते हो. वो ये वो शीशे है. सप्लीमेंट्स है या इसकी एसेसरीज थी. एसेसरी बोलूंगा मैं इसको. बॉडी बिल्डिंग की जो एसेसरीज थी, जो खाने की चीजें या ये या डाइट प्लान्स, ये लेट आए इंडिया में. पहले तो पप्पे सरसों का साग खा के बॉडी बिल्डर खेलते थे. प्रेमचंद डेगरा जी दे भी बयान है, मेरे दोस्त है, उन्होंने वो इस चीज़ में मनन के भी. पहले तो हमें बंदे बॉडी बिल्डर तैयार हो जाते. क्यों? अपने हार्ड वर्क नाल. गुरु जी इज़ अ वेरी टफ जॉब. और मेरा जो भी मैसेज सुन रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, वो पापे गुरु को रहना इतना आसान नहीं है. मेरे को बाल बच्चे अपने सब छोड़ने पड़े हैं.